यस सर। तो चलो जी, चलो अभिषेक एंड अमन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 54। क्लियर? अब देखो जरा, सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। भाई साहब, एक नंबर का सबसे पहला एमसीक्यू कई बार आ सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? AS3, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। वन मार्क का एमसीक्यू, याद रख लेना। तो कह रहा है, एज पर AS3 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2017-18 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। Balance sheet of ABCD as at 31st March 2018 and 31st March 2017. Particulars note number 31st March 2018, 31st March 2017. सबसे पहले कह रहा है क्या equity and liabilities, फिर इसने बोला है क्या shareholders fund, फिर इसके बाद है क्या share equity, share capital, reserve and surplus, BDCD। हाँ जी, एक बार mute कर लो, जब question पूछना होगा ना तो फिर जो है unmute कर लेना आप। Okay, ठीक है, आवाज आ रही थी थोड़ी थोड़ी इसलिए। हाँ जी, तो शेयर होल्डर्स फंड में बोला है शेयर कैपिटल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कितना है, तो इसने बोला है 4 लाख बिगनिंग का है और 6 लाख जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस है। रिजर्व एंड सरप्लस में बोल दिया, ब्रैकेट में लगा दिया, स्टेटमेंट ऑफ PNL है, मतलब कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है। 1 लाख बिगनिंग का, 2 लाख क्लोजिंग का। फिर है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 लाख बिगनिंग एंड एट द एंड 1 लाख रुपीज। फिर है करेंट लाइबिलिटीज में 3 चीजें गिवन है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक लोन, ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। जैसी प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, समझ आई रही बातें? हाँ जी, तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। ओके, आगे आ जाओ जी। फिर कह रहा है एसेट्स, तो कह रहा है नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में क्या कह रहा है? टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल में बिल्डिंग दिया हुआ है, इनटेंजिबल में पेटेंट्स है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद कह रहा है इन्वेंट्री, यानी करेंट एसेट्स है, 10,000 से 15,000 हो गया है। फिर है ट्रेड रिसेल्स, इसके अंदर डेटर्स है, और कैश एंड कैश बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओहो सर, ये कैश एंड बैंक बैलेंस जो है ना, दिस इज द आंसर। कैश फ्लो इसका कुछ नहीं करना, करना क्या है, जो ओपनिंग बैलेंस है इसे हम एट द एंड में एड करते हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बातें? ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है नहीं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया। दिस इज योर ओपनिंग यानी BD, तो इसे आप ऐड करोगे लास्ट में, तो ये आपका जो है आंसर आके आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या कहा है ये ध्यान से पढ़ना। दीज आर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ट्रीटमेंट दो जगहों पे होती है, यानी किसी दो एक्टिविटीज में होता है। ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹75,000 वाज परचेज, यानी कि हमें बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके बारे में एडजस्टमेंट बोला एसेट्स अकाउंट बनाना हमने सीखा था वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 किसका हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्या, एंड ओल्ड बिल्डिंग, तो ये भी इसी बिल्डिंग में कवर हो जाएगा जब हम अकाउंट बनाएंगे। तो कह रहा ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ विच वाज 33,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000, 5,000 का लॉस हुआ है। फिर आगे कह रहा है क्या, टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है मेड, व्हेनेवर इट सेज प्रोवाइडेड इट इज मेड, एंड व्हेनेवर टैक्स पेड दैट मींस की पेड, तो ये है मेड, इसका अकाउंट हमें बनाना है। ऑलरेडी हमने टिक लगा लिया है सर, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है हमें, राइट? इसके बाद कह रहा है क्या, प्रपोज डिविडेंड, तो जब भी प्रपोज डिविडेंड देगा, 2 साल का आपका प्रपोज डिविडेंड देगा, तो 2 साल का जो प्रपोज डिविडेंड होगा ना, जो पिछले साल वाला होगा, यानी कि BD वाला होगा, यानी कि 2017 और 2018 का है, तो 2017 वाले को एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करना है, दैट इज पेड, और एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त ऐड कर देना है वर्किंग नोट नंबर 1 में। तो जरा चेक करो क्या बोला है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो प्रपोज डिविडेंड को तो नहीं ना ऐड करते थे? हाँ देखो, तो सही बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड में क्या करना है, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त प्रपोज डिविडेंड नहीं करते, प्रपोज डिविडेंड का मतलब डिविडेंड जो पेड होता था उसे ऐड करते थे, नहीं करते थे, वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे बनाते थे? सर बताओ, याद है वर्किंग नोट नंबर 1 में अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है तो 3 चीजें ऐड करते, कौन कौन सी जल्दी से बताओ भाई? वर्किंग नोट नंबर 1 जो होता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देता था। वेरी वेरी गुड अमन, आपने भी बताना है। सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व्स, फिर उसके बाद क्या करते थे, डिविडेंड, यानी डिविडेंड पेड मेड जो भी होता है, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, हाँ जी, टैक्स यानी प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है।
माइनस प्रोविजन यस फॉर टैक्स, और अगर टैक्स रिफंड हो तो उसे आपको लेस करना होता है, और प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो ये है नहीं, तो इससे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, समझ में आई बातें? तो ये चीजें, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये जो डिविडेंड है ना, कह रहा प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज 20% एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 10%, यानी कि डिविडेंड किस पे बनता है, ये भाई इक्विटी शेयर पे बनता है, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड होता है, कुछ ना बोले तो राइट, ये जो डिविडेंड होता है प्रपोज फाइनल, ये सारे इक्विटी शेयर्स पे होता है डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का तो अलग ही होता है, उसके आगे रेट दिया होता है राइट, या उसके बारे में अलग से बोलेगा, तो यानी कि 20% 2017 का, 10% 2018, तो जरा देख के बताओ जरा इक्विटी शेयर का बैलेंस कितना है, 4 लाख बीडी और सीडी कितना है 6 लाख, यह समझ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जहां पे नहीं आएगा प्लीज पूछ लेना, ठीक है जी अमन? हाँ, तो 4 लाख बीडी है, तो 4 लाख बीडी और 6 लाख सीडी है, तो भाई बीडी 4 लाख है, तो यहाँ पे 20% के हिसाब से डिविडेंड कितना आएगा 4 लाख का बताओगे, 4 लाख का 20% होता है 80,000, और 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा 60,000, समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताओ, ये पिछले साल का है बीडी वाला और ये यू कैन से सीडी वाला, तो हमें सीडी वाले का कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बीडी वाले का दो जगहों पे जाता है, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बोलेंगे डिविडेंड पेड, और एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त डिविडेंड को हम ऐड करते हैं, वही मेड हो जाता है या पेड मानो, लास्ट ईयर का बीडी का, हाँ जी लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का ये याद कर लो, रट्टा लगा लो, क्योंकि ये भी रीजन बताया था कि पहले भाई डिविडेंड प्रपोज होता है फिर उसको पे किया जाता है राइट, तो साल के एंड में प्रपोज होता है तो अगले साल, ठीक है ना, उसको पिछले साल का साल के एंड में प्रपोज होता है तो उसके बाद उसको पे किया जाता है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स में भी ये ऐसा ही करेंगे, कुछ और करेंगे किसका? प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर दिया रहेगा दो अमाउंट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें अकाउंट बनाना है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन वी नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 2, कैसे ये भी बताया था, ये देखो फटाफट बना लो वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि हमें टैक्स पेड और मेड निकालना है, देखो ना अभी बता देता हूँ समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम आता है, इसके 4 केसेस कराए थे मैंने, 3 केसेस, सबसे पहले आपको क्या करना है बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, ये क्या होता है इसे बोलते हैं पेड बैंक अकाउंट, इसे पेड बोलते हैं, और यहाँ पे आता है बाय एसपीएल अकाउंट, ये होता है मेड, मेड या प्रपोज्ड एक ही बात होती, प्रोविजन मेड या प्रोविजन एक ही बात होती, प्रोविजन मेड या मेड, मेड बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो कोई एक बीडी सीडी तो दिया ही होगा, इनमें से कोई एक दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम बीडी को ही क्या माना लेते थे, पेड मान लेते थे, याद आया कुछ कुछ ऐसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे जरा बताओ वर्किंग नोट 2 पहले साथ में बना ही देता हूँ, ये लो, इसने बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी है 40,000 और सीडी है 70,000, बोलो भाई बीडी सीडी गिवन है कि नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी है 40,000 सीडी है 70,000, तो सबसे पहले तो बीडी सीडी लिख लो, सबसे पहले तो यहाँ पे बीडी सीडी लिख लो 40,000 और 70,000 यानी 40,070, इफ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चंस वी हैव टू व्हाट वी हैव टू अज्यूम बीडी विल बिकम पेड ऑटोमेटिकली, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का सिर्फ बीडी सीडी देता और कुछ नहीं देगा क्वेश्चन में तो हमें बीडी को खुद ही यहाँ पे पेड कर लेना है 40,000, तो बैलेंसिंग फिगर से मेड आ जाएगा 70,000, लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया होगा, कुछ क्या दिया होगा, या तो पेड या मेड देगा, तो पेड देगा तो मेड निकल जाएगा, अगर मान लो पेड दे देगा तो ये वाला मेड निकल जाएगा बैलेंसिंग से, और अगर वो मेड दे देगा ये वाला तो ये पेड वाला बैलेंसिंग से निकल जाएगा, यही 4 आइटम होते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, तो अब देखो जरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसने कुछ दिया था, उसने टैक्स पेड या मेड कुछ तो बताया था, देखो भाई देखो ध्यान से, सबसे थर्ड लाइन जो है इसने क्या बोला है, थर्ड लाइन बोला था टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब मेड होता है, याद रख लेना, प्रोवाइडेड प्रपोज्ड प्रोविजन मेड होता है, तो मेड कितना दिया हुआ है 80,000 दिया है कि नहीं दिया हुआ है जल्दी से बताओ, हाँ टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, तो प्रोवाइडेड दिया हुआ है यानी कि मेड दिया हुआ है भाई साहब, 80,000 मेड में लिख लो यहाँ पे, तो मेड 80,000 लिख लोगे अगर आप तो ये आ जाएगा पेड बैलेंसिंग से, अगर वो मेड की जगह प्रोवाइडेड की जगह पेड दिया होता वर्ड तो यहाँ पे लिख लेते पेड तो ये वाला बैलेंसिंग से आता, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान है टैक्स वाला, बहुत ही आसान होता है, समझ में आई बात है, बहुत ही आसान होता है, और
और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो मेड वाला है ना, इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स वक्त क्या करते हैं प्लस, और जो पेड वाला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सबसे एंड में नीचे में माइनस करते थे। ठीक है जी अमन, बताओ फिर बताओ क्विकली। इसी तरह का ट्रीटमेंट सर प्रपोज डिविडेंड भी होगा। प्रपोज डिविडेंड इस टाइप का नहीं करना, वो पुराना मेथड होता था ओल्ड। अब प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट नहीं बनाते हैं। प्रपोज डिविडेंड में सिंपल एक लाइन नोट लगा के लिख लो रजिस्टर के ऊपर सबसे ऊपर। ये आप पहले ऐसे नहीं बताए सर, बीडी ऊपर रहता था और सीडी नीचे, ऐसे बताए थे। किसका? ये अकाउंट बनाने वाला पहले बताए थे ना, फिक्स्ड असेट्स, मशीनरी अकाउंट, और फिर मशीनरी अकाउंट का अलग से बनेगा। अभी बनाएंगे हम वर्किंग नोट 3 बनाएंगे मशीन अकाउंट का, वो एसेट्स होता है तो उसका बीडी डेबिट साइड, सीडी क्रेडिट, वो अलग ही होता है। और प्रोविजन फॉर टैक्स का इस हिसाब से वर्किंग नोट बनेगा। और प्रपोज डिविडेंड का याद रख लो नोट, प्रपोज डिविडेंड का हमेशा क्या करना है, पिछले साल का पास्ट ईयर का, ईयर का क्या करेंगे, पास्ट ईयर का डिविडेंड जो है, पास्ट ईयर डिविडेंड को हमें क्या करना है, दो जगहों पे, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देना और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त ऐड कर देना, सेम अमाउंट, एकदम सेम अमाउंट उसी को हमें, लेकिन टैक्स में मेड अलग होता है और पेड अलग अलग आ सकता है, कई बार सेम ही होता है कई बार अलग होता है। प्रपोज डिविडेंड का कोई अकाउंट नहीं बनाना, और प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन सा, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, कहाँ पे दिया होगा, एडजस्टमेंट्स की आइटम है ये, एडजस्टमेंट्स में दिया होगा, ठीक है, ये लिख लेना। एक बताया था एडजस्टमेंट में दिया होगा, एक मेथड वन बताए थे, एक मेथड टू बताए थे, ऐसा करके कि मेथड वन रहेगा तो एसेट्स वाला बस करना है और मेथड टू रहेगा तो, मेथड वन और मेथड टू फिक्स एसेट्स का बताया था अमन, प्लीज याद करो, थोड़ा सा रिविजन करना है। फिक्स एसेट्स का मेथड वन मेथड टू बताया था, मेथड वन में बताया था जब कुछ ना दिया हो, मेथड टू में बताया था अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होएगा तो मशीन अकाउंट एज वेल एज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि फिक्स एसेट्स अकाउंट एज वेल एज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। यस सर, वो मशीनरी अकाउंट का बताया था। वो डिविडेंड अब सब पीबीटी को कैसे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, पीएटी में ना प्लस करेंगे। यस, यहां पे ये रहा ना, अब देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन है कहाँ पे है डिविडेंड, देखो 80,000 आ गया बीडी वाला, बोलो भाई पिछले साल का कितना है, 80,000 है 2017 का डिविडेंड। yes, और सीडी वाला 10% 60, तो इसका कुछ नहीं करना, 80,000 का अब क्या करोगे, सुनो ये 80,000 आ गया डिविडेंड, राइट, तो इस 80 को एक बार पीबीटी में प्लस करो, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड जो है ना, ये पेड मेड जो भी लिखना है, तो 80,000 यहाँ पे आएगा प्लस, ये आएगा 80,000, ठीक है जी, 80,000। और टैक्स का प्रोविजन, रिफंड तो निल है, एक्स्ट्रा आइटम नहीं है, ये 80,000 जो है ये टैक्स का मेड है, ये 80,000 टैक्स वाला है, डिविडेंड मत समझ लेना, दोनों 80,000 दे दिया जानबूझ के, कई बार कंफ्यूजन कराने के लिए दे देता है, ठीक है, तो 80,000 ये टैक्स का ये वाला यहाँ पे लिखा, और जो डिविडेंड हमने निकाला है पास्ट ईयर का वो यहाँ पे लिख दिया है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी एक बार आएगा ये, और ये जो टैक्स पेड है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस में आएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व भी कुछ नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लेंगे चेंज से, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। देखो जरा एसपीएल का चेंज कितना है, जरा बताओ, पहले 1,00,000 था अब 2,00,000 हो गया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जल्दी से बताओ, इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्लीज रिप्लाई क्विकली। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहा हूँ, दिस इज योर नेट प्रॉफिट ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो प्रॉफिट हो गया ना, पीएटी आ गया, 1,00,000 का प्रॉफिट, यस, तो यहाँ पे पीएटी लिख लिया हमने 1,00,000 रुपए सबसे ऊपर में, ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ नहीं है, डिविडेंड आ गया 80,000 का, प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 का आ गया, और टैक्स रिफंड कुछ नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ नहीं है, तो ये हमारा कितना आ गया बताओ भाई, 2,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। कुछ समझ में आई बातें, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। सर डिविडेंड दिया है क्वेश्चन में, अरे नालायक, डिविडेंड ये नहीं रहा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फोर्थ, और टैक्स भी दिया हुआ था, देखो ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, और फर्स्ट और सेकंड से मशीनरी यानी कि बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी कह रहा हूँ, बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर थर्ड, तो पहले हमने वर्किंग नोट ही बना लिया, अब चाहो तो पहले वर्किंग नोट ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे वर्किंग नोट नीचे बनाना चाहिए, ये आया हुआ है ICS 2015 के एग्जाम में आया हुआ है मॉडिफाइड, नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा, जल्दी से एक बार बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है। यस अमन, ठीक है ना, अब देखो ये पहली वर्किंग नोट बना दिया, बट हमें पहले क्या करना रहता है बताओ भाई, पहले तो हमें फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहले लिखो यहाँ पे आंसर,
आंसर क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर है 54, टू कौन सा 54। सबसे पहले तो सर सर हमें ना फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं याद है? सबसे ऊपर में क्या लिखोगे जरा बताओ? कैश लिखो यहां से आंसर, फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31st March 2018। यहाँ पे लिख लेना ऑफ ABC लिमिटेड, प्रॉपर ऐसे लिखना है, क्लोजिंग वाला ईयर लिखना होता है। फिर हमें दो कॉलम बनाना है, याद आ रहा होगा आपको, याद है कि नहीं है? याद है जी, मेरे को जगह छोटा पड़ेगा तो इस वर्किंग नोट को मैं नीचे कर देता हूँ। देखो जरा जो वर्किंग नोट बनाया था ये मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ से और लाइनें थोड़ी सी आगे तक ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है जी। अब आधे में तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगा, आधे में पूरा पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का छोटा होता है, इसलिए यहां तक तो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग। तो सबसे ऊपर में पता है क्या लिख लूंगा? यहाँ पे लिख लो, प्रॉपर लिखोगे तो कैश ए नंबर देके फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर सेकंड लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी नंबर, और सी क्या हो जाएगा? सी नंबर यहां से लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इन सब का यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा ना इसे बोलेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज, तो जो आएगा वो भर देंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, फिर इसमें ऐड करना होता है क्या बताओ? याद है ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर क्लोजिंग कैश, तो अपने आप क्लोजिंग आ जाएगा, इसमें वो ऐड कर देंगे तो ये अपने आप क्या आ जाएगा आंसर? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पहली आंसर में लिख सकता हूँ, आंसर कितना आना चाहिए बताओ? ये देखो कैश एंड कैश का बैलेंस देखो बताओ जो हाईलाइट किया हुआ है। ओपनिंग इसमें कितना है जरा बताओ? ओपनिंग कितना दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 30,000, और क्लोजिंग कितना है? 85,000, यानी 30 और 85,000, तो 85,000 आंसर हो जाएगा, 30,000 ओपनिंग है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पता है कितना? ये आएगा 85,000 आंसर, ये है 30,000, तो ये वाला कितना आना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटीज को ऐड करेंगे उसे बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए बताओ भाई? 30 में कितना ऐड कर दूं कि 85 हो जाए बताओ भाई? 30,000 में कितना ऐड करूंगा कि 85, या कितने में 30,000 ऐड करूंगा कि 85 होगा बोलो? 55,000, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे तीनों का ऐड होके 55 आना चाहिए, इज इट क्लियर? और यहाँ तक हुआ कि सही कि नहीं? जल्दी से अब हमें तीनों एक्टिविटीज बनाना है, बस बनाओ बोलो। पक्का ना? तो पहले ऐसे फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, फॉर्मेट बना लिया, अब नीचे वर्किंग नोट बनाना था पढ़ के एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट 1 बनाना है, जो कि मैंने पहले समझा दिया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना था, राइट और नॉट? तो हमने क्या किया, हाँ जी, हमने जो क्या किया, सबसे पहले तो भैया पीवीटी बनाया जिसमें टैक्स था 80,000, तो ये वर्किंग नोट 1 बना दिया नीचे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कहां से आया है? तो सर ये जो आया 2 लाख माइनस 1 लाख कर दिया था हमने, राइट, एसपीएल का चेंज है ना, एसपीएल का चेंज इन एसपीएल, याद आया? यहाँ पे था सबसे ऊपर। अब आइटम एक एक आइटम पढ़ते जाओ और आप करते चले जा सकते हो, चाहो तो स्टार्टिंग से करते चले जाओ। कहाँ से? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ बताओ? इसमें तो नोट्स नंबर ही नहीं है, तो और भी आसान। तो सबसे पहले क्या बोला है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है जल्दी से बताओ जरा, शेयर कैपिटल कितना से इंक्रीज हुआ है? 2 लाख एडजस्टमेंट, हाँ जी 2 लाख से इंक्रीज हुआ है ना, तो 2 लाख को हम क्या मानेंगे, इशू या फिर कुछ और? हाँ जी इशू मानेंगे। तो 2 लाख इशू कौन से एक्टिविटीज में जाएगा बताओ? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो मैं आया यहाँ पे फाइनेंसिंग, फॉर्मेट बनाया हुआ है तो मैंने लिखा यहाँ पे, लिख दो इशू, लिख रहे हो साथ साथ में,
ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां तक तो बना लिए होगे ना साथ साथ में फॉर्मेट, 2 लाख रुपए इनर कॉलम। ठीक है दीमन, यहां तक तो बना लिए हो ना? यस सर। 2 लाख रुपए, फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद शेयर कैपिटल के बाद था रिजर्व एंड सरप्लस, ब्रैकेट में लिखा हुआ था एसपीएल, तो इसलिए वो पैट हो जाएगा। दिखाऊं? ये लो, ये लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस, और ब्रैकेट में एसपीएल। बहुत बढ़िया, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एनपीएटी, जो वर्किंग में आएगा। 1 लाख रुपए इंक्रीज हुआ है तो वर्किंग में हमने लिखा दिस इज योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये लो, नेट चाहो तो नेट लिख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख। यही तो लिखा है चेंज करके, है ना? यही तो लिखा है चेंज करके। ठीक है भाई, ये वर्किंग नोट ले, हाँ ये बना लो, कोई बात नहीं, नीचे बना लो, ये वर्किंग नोट बनेगा दोनों। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, ट्रांसफर टू रिजर्व नील है, डिविडेंड के बारे में बोला है, तो पिछले साल वाला डिविडेंड लेते हैं। ये रहा, नोट करके लिखा दिया मैंने, ये नोट लिख भी लेना। प्रपोज डिविडेंड दिया हो जब भी, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में दिया होगा। और इसका जो है पास्ट ईयर्स का आप डिविडेंड निकालो, फाइंड आउट करो, जो कि 80,000 रुपए आया है, तो 80,000 को दो जगहों पे करना होता है, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस, और एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त वर्किंग नोट 1 में प्लस करते हैं। वर्किंग नोट निकालते वक्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाना होता है जब भी बीबीसीडी दिया होगा, और इसके बारे में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो भी आप ऑलवेज बना देना। कई बार प्रोविजन फॉर टैक्स जो है अकाउंट बिना बनाए भी सिर्फ बीडी सीडी लिखा होता है, तो बीडी वाले को हम लोग पेड मानते हैं और सीडी वाले को मेड मानते हैं, ये चीज भी मैंने बताया है। तो हम अकाउंट बना के ऑलवेज करेंगे। मैंने कहा इफ नथिंग इज गिवन बीडी को ही पेड मान लेना, तो अपने आप सीडी आ जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स पेड कितना आया जरा बताओ, यहाँ पे 80 प्लस 40, अभी आपको करा देंगे, पहले यहाँ तक लिख लो। वर्किंग नोट 1 तो बनाओ, 1 बन गया, नहीं आएगा कोई भी चीजें समझ में तो बताना, दोबारा समझा दूंगा। और स्पीड ज्यादा लगेगा तो बोल देना, मैं स्पीड स्लो कर दूंगा। सर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना जरूरी क्यों है? अभी बताता हूँ, रुको। कॉपी तो कर लो सारी चीजें जल्दी से। प्रोविजन फॉर टैक्स बताना है ना, बोलो भाई। हाँ, और पास्ट ईयर क्यों लिए हैं सर? वो बताया था अभी डिविडेंड का। चलो दोनों चीजें भी बता देते हैं, ये लो। सबसे पहले टैक्स के बारे में बता दें आपको। यस सर। देखो भाई, देखो टैक्स वाला एडजस्टमेंट दिया रहेगा आपके क्वेश्चंस में, 90% चांसेस रहता है टैक्स वाला आपका एडजस्टमेंट्स दिया होगा क्वेश्चन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑन टैक्स। यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड पॉइंट नंबर 6। टैक्स का आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, ठीक है? टैक्स के लिए आपको क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एंड अमाउंट ऑफ टैक्स मेड। बीडी और सीडी जो होता है वो बीडी जो है क्रेडिट में लिखते हैं और सीडी जो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देते हैं व्हेनेवर गिवन, ठीक है? जब भी गिवन होगा बीडी सीडी तो आपको अकाउंट हमेशा आप बना लेना, ठीक है? जब भी टैक्स के बारे में बोलेगा प्रोविजन फॉर अकाउंट आप लिख लो, ऑलवेज ऑलवेज प्रिपेयर करना है। इफ बीडी सीडी इज नॉट गिवेन तो बीडी सीडी नील लिख लेना, ठीक है? अगर बीडी सीडी नहीं देगा तो आप नील लिख लेना, और अगर दिया होगा तो आप लिख लेना, ठीक है? और सुनो जरा ध्यान से, अगर टैक्स पेड यहाँ पे आता है टू बैंक अकाउंट, और टैक्स मेड कहाँ पे आता है? प्रोविजन मेड या टैक्स मेड आता है यहाँ पे बाय एसपीएल, यानी कि क्रेडिट साइड में आता है। अब सुनो, बीडी सीडी अगर दे देगा तब तो लिख लेंगे, नहीं देगा तो नील लिख लेंगे। और अगर ना तो टैक्स पेड दिया है ना ही टैक्स मेड दिया है तो आप बीडी को ही खुद से क्या करा देना, पेड करा देना, बीडी को ही खुद से पेड करा देना, तो ये मेड अपने आप बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, पहला केस। दूसरा केस क्या है, अगर बीडी सीडी दे दे
बी डी सी डी दोनों दे दे, तो ये दोनों लिख लिया, दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देगा तो नील, देगा तो लिख लेंगे। अगर उसने टैक्स पेड दे दिया तो टैक्स पेड यहाँ लिख लो, तो बैलेंसिंग से क्या आ जाएगा, मेड आ जाएगा, बैलेंसिंग से मेड आ जाएगा। लेकिन अगर अगर वो मेड दे दे, अगर वो मेड दे दे, ठीक है, तो मेड लिख लोगे तो बैलेंसिंग से आपका पेड आ जाएगा। दीज आर दी थ्री केसेस। अब तीन एग्जांपल है, सुनो, एग्जांपल नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है मेरे पास, इसके तीन केसेस हैं, तीन केसेस है, सुनना जरा, एग्जांपल, एग्जांपल 9 का तीन, यही तीन केसेस आ सकता है आपके क्वेश्चन, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड और कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कह रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, फ्रॉम बैलेंस शीट आरएसटी लिमिटेड, जो भी है, ईयर दिया हुआ 2020, मतलब एक है 2020 और एक है 2019, यानी कि बीडी ये वाला है और ये वाला आपका सीडी, ठीक है। ये कह रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बैलेंस शीट में देता है, ठीक है, बीडी है 11,000 और सीडी कितना है 18,000। अब नीचे है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसने बोला है केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में बोला है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 16,000। केस 2 में बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितने रुपीज, 90,000। और केस 3 में है नो इन्फॉर्मेशन, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ बीडीसीडी दे दिया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया, समझ में आई बातें। तो सबसे पहले मैं आपको केस 3 कराता हूँ, देखो जरा केस 3 कैसे करेंगे। सबसे पहले केस, ऑल थ्री केसेस के लिए बीडीसीडी यही है, ऑल थ्री केसेस के लिए बीडीसीडी 11,000 और 18,000 है, ठीक है, ऑल थ्री केसेस के लिए बीडी और सीडी 11,000 और 18,000 है। तो हमें ऑलवेज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो पहले केस 3 आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले केस 3 में आ जाओ, सबसे पहले केस 3 में आ जाओ, केस 3 में आ गए हम लोग, तो केस 3 का आंसर यहाँ पे, केस 3 का आंसर ये रहा, केस 3, ठीक है जी। केस 3 में हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया। अब बीडीसीडी, बीडीसीडी गिवन था, बताओ भाई कितना गिवन है, बीडीसीडी कितना है, बीडी 11,000 और सीडी 18,000, लिख दूं, बोलो हाँ, बीडी 11,000 और सीडी 18,000, ये गिवन था तो हमने लिख दिया। क्या इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है सर, केस नंबर 3 में और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना तो पेड बताया ना तो मेड बताया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट भी बोलते हैं उसको, ना तो पेड बताया ना तो मेड बताया। तो मैं क्या करूंगा, बीडी को खुद ही क्या करा दूं, पेड करा दूं, बीडी को हम खुद ही पेड करा देंगे बैंक में। तो पेड की तरफ क्या लिख दूंगा अमाउंट, बताओ भाई, जितना बीडी है उतना ही पेड लिख देंगे, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो भाई, बोलो हाँ, जल्दी बोलो। अब टोटल कितना आया बताओ, 18 + 11 इधर आया 19 और इधर का है कम, तो 19 - 11,000 ये बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, बोलो हाँ, बैलेंसिंग फिगर से कितना आया बताओ भाई, बताओ कितना आया, 19 - 11 कितना, सॉरी ये 29 आएगा, सॉरी 29 आएगा, तो 29 - 11 कितना आ जाएगा बताओ भाई, बताओ 18,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, देखो यहाँ फॉर्मेट में भी लिख लेना, जो ये फॉर्मेट था यहाँ पे क्या होता है, ये जो पेड है, पेड को हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करना है, और जो ये मेड वाला आएगा उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त जो वर्किंग नोट नंबर 1 हम बनाते हैं वहां पे हमें प्लस करना है, वहां पे हमें प्लस करना है, ठीक है जी, वहां पे हमें प्लस करना है, राइट। तो आ जाओ यहाँ पे जो है, और बीडीसीडी कहीं नहीं जाता, तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त प्लस कर लेंगे और इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते वक्त माइनस कर लेंगे। सर ये भी बताओ ये कहाँ पे, जो ये बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो, मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो ये 18,000 पीबीटी में कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे देखो, ये जो इसका अभी हम आंसर बना रहे थे ना हम लोग, तो ये आंसर बना रहे थे, तो भाई साहब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, यहाँ पे हम लिखते हैं ना लास्ट में, हम क्या लिखते थे याद है, लास्ट में हम लिखते हैं क्या बताओ जरा, लास्ट में क्या लिखते थे, हाँ जी, कैश जनरेटेड, याद आ रहा है, यस सर, बिफोर टैक्स पेड, अमन बोलना है बिफोर टैक्स पेड, और माइनस यहाँ पे क्या करते थे, टैक्स पेड को, टैक्स पेड, तो नीचे में क्या जाता था, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता था यहाँ पर, राइट। तो ये जो टैक्स पेड है ना, जो आया हमारा कितना आया था 11,000, वो यहाँ पे हमें माइनस करना है, और जो मेड था ना 18,000 में यहाँ पे लिखता है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स की जगह पे, ये प्रोविजन फॉर टैक्स की जगह पे 18,000 लिखता, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई अमन, प्लीज इतना मेहनत से करा रहा, फटाफट बताओ, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, टाइम का हमारे पास स्कार्सिटी है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पीबीटी जो 18,000 है ये प्लस कर देते और ये टैक्स पेड जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नीचे में माइनस कर देते, ठीक है, बोलो हाँ, दिस इज केस 3। अब केस 2 पे आते हैं, देखो
बीडीसीडी तो वही है सेम केस टू पे, बीडीसीडी तो वही है। अमन चला गया है क्या? ओहो अमन चला गया है, चलो आएगा तो बता देना मैं ऐड कर दूंगा। हाँ जी अमन आएगा तो बता देना मैं ऐड कर दूंगा। अब हुआ यूं कि जो केस वन है, केस वन जो है, केस वन में बोला है क्या, टैक्स पेड है 16,000। तो अब की बार आ गया अमन, रुको 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 एक सेकंड रुक जाना, इसका डिस्कनेक्ट हो गया ना, डिस्कनेक्ट होने से दिक्कत हो जाती। हाँ जी अमन जल्दी से बताओ आप आ गए ना। हाँ जी और केस थ्री समझ में आया कि नहीं जल्दी से बताओ अमन क्विकली, आपका आवाज नहीं आ रहा, चैट के थ्रू बता सकते हो केस थ्री आया समझ में या नहीं आया। यस अमन केस थ्री आया समझ में या नहीं आया क्विकली बताओ अमन। केस थ्री इस क्वेश्चन को कंप्लीटली कराना है, आई हैव ओनली 12 मिनट्स लेफ्ट। ओके हमारी नेक्स्ट क्लास भी है। यस अमन चैट के थ्रू बता दो, कोई बात नहीं ऑडियो नहीं आ रहा था। नाउ वी आर डिस्कसिंग केस वन, ध्यान से देखना केस वन में क्या है, टैक्स पेड है 16,000। केस वन में टैक्स पेड है 16,000, बीडीसीडी उतना ही है 11,000 और 18,000। तो हमने केस वन बनाया, मतलब केस वन का मतलब दोबारा से हमने अकाउंट ओपन करा। ये केस वन टू थ्री क्या है, मतलब कि तीन तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, आपके बुक के अंदर। तो केस वन में हमने फिर से प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया बीडीसीडी। तो बीडी बताओ भाई कितना है, बीडीसीडी लिख लेता हूँ, बीडी कितना था बताओ भाई, बीडी है 11,000 और सीडी है 18,000। ठीक है अमन आपकी आवाज आ गई है, बता दो केस वन डिस्कस कर रहे हैं, क्या इस बार पेड दिया हुआ है या मेड दिया हुआ है? तो सर सर इस बार पेड दिया हुआ है, तो इस बार हम बीडी को खुद से पेड नहीं मानना है, उसने क्वेश्चन में दे दिया पेड इज 16,000, पेड इज 16,000, तो मैं पेड की जगह 16,000 यहाँ पे लिख दूंगा, पेड की जगह 16,000 लिख दिया। तो अब टोटल कर दो बैलेंसिंग फिगर से, आपका इस बार मेड आ जाएगा फिर से, तो ये आ गया 18 + 16 = 34,000, ये आया 34,000 - 11,000 कितना हो गया 23,000, हुआ नहीं हुआ? तो इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कर दोगे और इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दोगे। और अगर ये समझ में आ जाएगा तो केस टू भी आसान है। अब केस टू देख लो, इस बार केस टू में क्या बोला है, उसने टैक्स मेड बोला है, 9,000 का टैक्स मेड बोला है। तो जब टू बना रहे होंगे तो फिर से अकाउंट हमने बनाया, फिर से हमने अकाउंट बनाया और बीडीसीडी कितना लिखोगे, 11,000 बीडी लिख दो और सीडी 18,000 लिख दो। इस बार पेड नहीं लिखना, ये पेड तो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, इस बार बोला था मेड, मेड कितना 9,000, तो 9,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब टोटल करो 11 - 9 = 20,000, 20,000 - ये 18,000 है, -18 = 2,000, तो आपका टैक्स पेड कितना आया सिर्फ और सिर्फ 2,000, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस और ये जो मेड है ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त प्लस। यहाँ तक क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ, जल्दी से बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दीज आर दी थ्री केसेस, थ्री पॉसिबिलिटीज ऑन प्रोविजन फॉर टैक्स। और जब भी क्वेश्चन में बीडीसीडी ना देगा तो बीडीसीडी नील कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो इसके केस और बन सकते थे वैसे, मैंने बनाए नहीं है, ठीक है जी। अब चाहो तो बता सकता हूं मैं बिना केस बनाए, देखो केस फोर और फाइव भी आप चाहो तो लिख सकते हो, या समझ लो केस फोर और केस फाइव भी बन सकता है। अगर मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी 2020 और 2019 का नील दे दिया, ठीक है जी, नील दे दिया है राइट। और केस फोर जो है यहाँ पे इसने बोला है, केस फोर में बोला है क्या, टैक्स पेड इक्वल्स टू 10,000 और केस फाइव में बोला है टैक्स मेड यानी प्रोविजन मेड इक्वल्स टू 20,000 राइट। अगर ऐसा दे दे तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंट, डायरेक्ट मत करो। तो यहाँ पे अगर छोटा सा मैं अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है भाई, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो बीडी और सीडी कितना लिखूंगा जरा बताओगे भाई अभिषेक? बीडी सीडी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं, बोलो ना, बीडी सीडी नहीं है तो नील लिख देंगे राइट, नील लिख देंगे। और बीडी सीडी अगर नील है तो भाई बताओ इसने क्या बोला, टैक्स पेड, तो टू बैंक अकाउंट लिख दो टैक्स पेड। बैंक अकाउंट में कितने, इसने पहले में टैक्स पेड दिया है 10,000, यहाँ पे लिख दो जी 10,000। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से भी कितना आ जाएगा, एसपीएल कहते हैं इसको, एसपीएल अकाउंट मेड, तो ये भी 10,000 ही आएगा। और पांचवा केस का बनाओगे तो इसमें भी बीडीसीडी नील है, तो टैक्स पेड यहाँ पे आता है और यहाँ पे एसपीएल बैंक आता है मेड, तो इस बार मेड दे दिया है तो 20,000 मेड में लिख दो, 20,000 मेड में लिख दो, तो 20,000 ही टैक्स पेड आता है। तो जब बीडीसीडी नहीं देता है तो जितना टैक्स पेड होता है उतना ही मेड आता है, जितना टैक्स मेड होता है उतना ही टैक्स पेड आता है। सेम अमाउंट दो जगहों पे जाता है, सेम अमाउंट दो जगहों पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त प्लस करते हैं, ठीक है, क्लियर है? दीज आर दी मैक्स पॉसिबिलिटीज केस, पांच केसेस हो सकते हैं टैक्स पर, इसके अलावा और कोई केसेस नहीं होगा, जल्दी से बताओ आप। यस सर, ठीक है,
अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, आपका जो क्वेश्चन था फटाफट से हमें कंप्लीट भी करना है, मेरे पास बहुत कम टाइम है भाई, प्लीज क्लास है इसलिए ध्यान से सुनो। हाँ सुनो सुनो सुनो, तो कहाँ पे ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने बनाया, बीडी लिख दिया 40,000, सीडी लिख दिया 70,000 और टैक्स मेड दिया हुआ था 80,000। कहाँ पे सर? ये देखो क्वेश्चन में टैक्स मेड दिया हुआ था ना 80,000। सर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, तो अगर 80,000 मेड है तो मैंने 80,000 कहाँ पे लिख लिया अकाउंट बना के, 80,000 यहाँ लिखा जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के प्लस होगा, तो बैलेंसिंग फिगर से पेड, बताओ कितना? 120,000, 120,000 माइनस 70,000 कितना आ जाएगा? 50,000। बहुत बढ़िया, और 50,000 कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस आ जाएगा, राइट और नॉट? ये यहाँ पे हमें माइनस लिखना है, कितना बताओ भाई? बताओ यहाँ पे हमें माइनस कितना लिखना है? अभी लिख देता हूँ, 50,000 माइनस और 80,000 प्लस, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 80,000 प्लस कर दिया है। अच्छा अब आया सर समझ में। और डिविडेंड के बारे में याद रख लो भाई साहब, डिविडेंड ऐसा होता है, ध्यान से सुनो जरा डिविडेंड, जैसे ये दो साल है 2019 और 2020, तो 2019 का बैलेंस सीडी एंड में बनेगा, तो जब बैलेंस शीट जब एंड में बनता है ना, तो जो प्रॉफिट होता है एसपीएल, जो प्रॉफिट होता है साल के एंड में, तो उसके बाद एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती, जिसको बोर्ड मीटिंग भी कहते हैं, उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि डिविडेंड कितना देना है, प्रॉफिट के बाद डिसाइड होता है, तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बोलते हैं, राइट, या डिविडेंड प्रपोज्ड बोलते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड होना। तो भाई पिछले साल का प्रॉफिट जो था, यानी कि उस पर डिविडेंड है, तो वो है तो पिछले साल का डिविडेंड, लेकिन उसको पेड किस साल करना पड़ रहा है? इस साल में पेड करते हैं, समझ आई बात? इस साल में पेड करते हैं, और इस साल का एंड का जो डिविडेंड होगा वो अगले साल में फिर पेड होगा प्रपोज्ड होके, राइट? तो करेंट ईयर वाला नहीं लेते, क्योंकि इस साल में तो हमने पे किया है पिछले साल वाला, राइट ना? तो पिछले साल का डिविडेंड का हमें इस साल में ट्रीटमेंट करना होता है, और ये ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है भाई साहब, इसके ऊपर पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको आज घर पे जाके पढ़ना। ये चीजें पहले नहीं होता था, पहले अकाउंट बनता था, लेकिन अब नया चेंज हो गया। ये कहाँ पे? ये पॉइंट नंबर आप जो है ना 5 पढ़ना, ये पूरा का पूरा मैंने लिखा है, इस पे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेन जो है 4 कहता है, बिकॉज इफ एंटरप्राइज डिक्लेयर डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, क्योंकि एजीएम बाद में होता है, तो द एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज दो डिविडेंड एज अ लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट अनलेस अ स्टेट रिक्वायर्स अदरवाइज, सच डिविडेंड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में डिक्लेयर होता है ऑलवेज, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा, तो हमेशा पिछले साल वाले डिविडेंड को एक बार एड एक बार लेस करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त एड और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करना है। और आप चाहो तो ये वाला भी सेम चीज वही बोला है, ये डब्बे में जो लिखा है ये आप पढ़ सकते हो, समझ में आई बातें? ये पेज नंबर 27 पे क्लियर है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो इसलिए हमने पिछले साल का डिविडेंड कितना हुआ है जल्दी से बता दो फटाफट, पिछले साल का डिविडेंड 80,000 हुआ था, कैसे निकाला? इसने बोला था 20% डिविडेंड है पिछले साल का 2017 का, और 18 का 10%, तो हमें इस साल से मतलब ही नहीं है 18 से, 20% ऑफ पिछले साल का शेयर कैपिटल कितना है 4,00,000, तो 4,00,000 का 20% कितना हो जाता है 80,000, तो 80,000 एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ने कहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त प्लस कर दिया, ये लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त डिविडेंड 80,000 रुपए प्लस कर दिया है, और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यहां माइनस कर देंगे, तो लिख दो फटाफट डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 80,000 और ब्रैकेट लगा देना, और वर्किंग में यहाँ पे प्लस ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, क्लियर है बात? बताओ वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्विकली, यहां तक क्लियर है सर? आगे बढ़ो। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, डिविडेंड की बातें हो गई, तो यानी कि हमने क्या किया 3 और 4 निपटा दिया, हमारे पास एक वर्किंग नोट और बनाना है, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट, तो पहले ऊपर आ जाओ जी बैलेंस शीट में, तो हमने शेयर कैपिटल कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस कर लिया, यहाँ से करो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 2,00,000 से 1,00,000 हो गया है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? 2,00,000 से 1,00,000 डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितने का हुआ है सर? 1,00,000 का हुआ है डिक्रीज, तो डिक्रीज को हम बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बोरिंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो यहाँ पे लिख लो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1,00,000 का, और ब्रैकेट में लिख लेना बिकॉज रीपेमेंट इज नेगेटिव आइटम सब्सट्रैक्ट आइटम माइनस आइटम। ओके सर, सर उसके आगे बढ़ो, बढ़ते चले जाओ। फिर है सर करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी ध्यान रखना, ये होता है करेंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लेकिन इसका हमें अकाउंट बनाना होता है वर्किंग नोट में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, और उसके अलावा ये दो चीजें हैं, एक है बैंक लोन और एक है क्रेडिटर्स,
तो बैंक लोन दिया होगा तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है ये करंट लायबिलिटीज में, तो इसको चेंज इन करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स में नहीं लिखते, बैंक लोन को हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखते चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। तो ये 10,000 से कितना हुआ है जरा बताओ, 10,000 से हो गया जीरो नील, यानी कि डिक्रीज 10,000 से, तो 10,000 से डिक्रीज का मतलब ये भी क्या हो गया है, रीपेमेंट हुआ है, तो इसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिख दो, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बैंक लोन कितने रुपीज का, 10,000 का, ऊपर वाला 1,00,000 है नीचे वाला 10,000 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया और मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया है, आपको जहां पे भी डाउट या कुछ होएगा तो दोबारा से आप इसको रिवीजन कर सकते हो फ्रॉम यूट्यूब, आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर यू, तो टेंशन में मत आना, ठीक है जी। उसके अलावा ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये एग्जाम का क्वेश्चन 2015 में एग्जाम में आया हुआ है, तो अब ये निपटा दिया। अब एक बच गया है ट्रेड टेबल्स, तो ट्रेड टेबल्स का क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले में लिखेंगे इंक्रीज डिक्रीज, तो ये कितना 1,40,000 से डिक्रीज होके कितना हो गया है 1,05,000, यानी कि 35,000 का क्या हो गया है, 35,000 का डिक्रीज, तो डिक्रीज को लेस करते हैं, तो अभी हम बाद में करेंगे, रुक जाना ध्यान से, ये अभी करना है। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स में आ जाओ टेंजिबल, तो इसका बिल्डिंग अकाउंट हमें बनाना है, बिल्डिंग अकाउंट 6,00,000 बीडी 6,00,000 सीडी बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। अब एक सेकंड जरा रुकना, हेलो हेलो, हाँ हाँ थोड़ी देर में करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमें टेंजिबल एसेट बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसका नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो, इसलिए प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट फटाफट। और ये मेथड वन बनेगा, पता है मेथड वन क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है भाई अमन, आपका जो जवाब था मेथड वन मेथड टू मैंने बताया था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे मेथड वन से, बिकॉज इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दिया हुआ था, तो वर्किंग नोट नंबर 3 या 4 जो भी है ये बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या कैश, सॉरी टैक्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के साथ देगा तब हम मेथड टू लगाएंगे। दो मेथड बताया था ना एसेट्स अकाउंट का, टैक्स का तो हमेशा बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो अभी बनाया है वर्किंग नोट नंबर 2 जो बनाया है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो तो हमेशा बनाना ही बनाना है। उसके अलावा एसेट्स अकाउंट का भी वर्किंग नोट बनाना सिखाया था ना, एसेट्स अकाउंट का आपको बनाना सिखाया था, ये रहा ना मेथड 1 मेथड 2, एसेट्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट मतलब की टेंजिबल या फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये है मेथड 1, सिर्फ डेप्रिसिएशन वगैरह ना दिया तो, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो तो मैं एसेट्स अकाउंट साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। ये क्लास 11th का एक्चुअली कांसेप्ट है, क्लास 11th में डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऑलरेडी पढ़ना था आपको। तो आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट हम लोग बिल्डिंग अकाउंट बना लेते क्विकली जरा। तो बिल्डिंग का BDCD, अब की बार BDCD इधर आता है, BD और CD यहां पे आएगा, तो सबसे पहले BDCD लिख लो, BD दिया हुआ था 6,00,000, CD भी 6,00,000 ही है, BD 6,00,000, CD भी 6,00,000 ही है, BD 6,00,000, CD भी 6,00,000 ही है। अब उसके बाद क्या बोला है वो पढ़ो जरा यहाँ पे फटाफट जरा ध्यान से देखो। 8 बज गया, बस 2-4 मिनट और दे दो इसको, अब कंप्लीट करा ही देते हैं, बस खत्म हो गया इसका। BDCD बताओ फटाफट, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोला ध्यान से पढ़ लो थोड़ा सा, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ तो नहीं आएगा तो आप कर लेना, बस सुनते जाओ मेरी बातें। बिल्डिंग कॉस्टिंग 75,000 वाज परचेज, बस ये दे दिया है। फिर कह रहा है एन ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ दिस 63,000, बुक वैल्यू है 63,000 का, जिसको सेल कर रहा है कितने के, 5,000 के लॉस में, तो 63,000 वाले को कितने में बेचेगा तो लॉस हो जाएगा, 58 में सेल प्राइस है, 58 में अगर बेचोगे तभी 5,000 का लॉस होगा, तो 63 वाले को 58 में हमने बेच दिया, 58 में हमने सेल कर दिया, 63 वाले को 63 का कुछ नहीं होगा, 58 में सेल कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट 58,000, 5,000 लॉस बाय SPL अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से आएगा, क्योंकि इसने इस बार परचेज दे दिया था टू बैंक अकाउंट, बैंक में क्या होता है परचेज होता है, तो परचेज कितना दिया हुआ था बताओगे, परचेज में कितना दिया हुआ था, हाँ जी परचेज में दिया हुआ था इसने 75,000 का परचेज, हाँ जी क्या कह रहे हो, 75 बोल रहे थे, वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर से बता दो भाई कितना आ गया, 75 + 6,00,000, 6,75,000, 6,75,000, तो 75 - 63, तो 12,000 का डेप्रिसिएशन आ गया बैलेंसिंग फिगर से। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता है, BDCD कहीं नहीं, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस, लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस, सेल जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस,
और परचेज जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस। तो फटाफट लिख लो जल्दी से ये सारे अमाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। एक तो लिखेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग, फिर लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल किया है कितने का 58,000 और परचेज किया है 75,000 माइनस, ठीक है। और डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे लिख लो फटाफट, सबसे पहले लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारा 12,000 का आ गया है, राइट और नॉट, डेप्रिसिएशन हमारा 12,000 का आ गया है, बस इसमें यही था। अब आगे आ जाओ जी फटाफट, इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट क्या हो रहा है 50,000 से डिक्रीज होके 45 हो रहा है, तो 5,000 का क्या हो जाएगा बताओ जरा, 5,000 का हमारा, 5,000 का हमारा क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 5,000 का हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, मैसेज कर देता हूं, हाँ जी क्लास जो है 7 मिनट डिलेड है, हाँ जी बताओ जल्दी से। तो 5,000 का यहाँ पे लिख दो रिटर्न ऑफ फटाफट जल्दी से क्विकली, तो यहाँ पे लिख दो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 5,000, ओके आगे बढ़ो जरा, पेटेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, पहले जीरो था 75,000 हो गया इंक्रीज, तो इन्वेस्टिंग के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम मानेंगे परचेज किया हमने 75,000 का, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखो जरा परचेज, लिखते रहना साथ साथ में, ऑफ इन्वेस्टमेंट 75,000, इन्वेस्टमेंट भी 75,000 का इसने परचेज किया था, तो परचेज ऑफ मशीन भी किया है इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर कह रहा नीचे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हुआ 10,000 से 5,000 डिक्रीज होता तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं उसको, हाँ जी डेप्रिसिएशन, डिक्रीज जब भी होगा फिक्स एसेट्स हम मानेंगे डेप्रिसिएशन हुआ, और इंक्रीज होगा तो हम मानेंगे परचेज हुआ, नहीं तो हम उसका अकाउंट बना देंगे। तो 5,000 का हमारा इंक्रीज हो गया है इन्वेंट्री, तो हमें इसे माइनस करना है, और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुआ है ये भी 55,000 से इंक्रीज हो गया है, तो इसे भी आपको माइनस करना है, राइट, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है फटाफट। तो एक काम करते हैं इसे, और एक वर्किंग नोट जो बनाना था ये ऑलरेडी बना के हमने 2,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया, ये 1,00,000 डिविडेंड 80,000 प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000, तो ये 2,60,000, तो सबसे ऊपर में 2,60,000 लिख लेना है यहाँ पे, 2,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसको टोटल कर दो, ये टोटल कर दोगे तो कितना आ गया 260 प्लस 12,000 प्लस 517, तो 2,77,000 ये आया क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज करना है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहा था इंक्रीज तो माइनस, और इन्वेंट्री भी क्या हो रहा था इंक्रीज तो ये भी माइनस, और एक डिक्रीज हो रहा था क्या हमारा ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहा था तो ये भी माइनस, ट्रेड पेबल डिक्रीज ये रहा ना 35,000 का ट्रेड पेबल डिक्रीज हुआ है, तो 35,000 तो यहाँ पे ये लिख लो, इन्वेंट्री कितना से 5,000 से हुआ है इन्वेंट्री डिक्रीज इंक्रीज हुआ था, और ट्रेड रिसीवेबल्स 55,000 से, तीनों माइनस वाला आइटम है बस, और कुछ करना नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स पेड, यहाँ पे आ जाएगा इस टोटल। तो बताओ 277 माइनस 60 माइनस 35, बताओ जरा 277 माइनस 60,000 277 माइनस 60 माइनस हाँ जी 35, तो कितना आ गया 1,82,000, और 182 में माइनस कर दो 50 टैक्स पेड, तो 132 आ जाएगा आपका आउटर कॉलम में 1,32,000, मैं थोड़ा फास्ट करा दे रहा हूँ, और ये सब चीजें हमने लिख लिया, आप टोटल कर देना, आप कुछ करना नहीं है, टोटल कर दो, तो इसका कितना आ गया 58,000 माइनस 75,000, 1,50,000 माइनस 58, तो निगेटिव में आ जाएगा 92 ब्रैकेट, तो इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसका बताओ जी नेट कैश, हाँ जी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कितना आया 2,00,000 हाँ जी माइनस 1,90,000, तो 10,000 का पॉजिटिव आ गया। अब ये तीनों को जोड़ दो, 1,32 माइनस 92 132 माइनस 92 प्लस 10 कितना आ जाएगा, हाँ जी 50,000 आ रहा है, 5,000 का कहीं और घपलेबाजी हमने कर दिया है क्या, 5,000 का कहीं पर डिफरेंस आ रहा है, दिस शुड बी 55 लेकिन ये आ कितना रहा है, ये आ रहा है आपका 50, तो 5,000 कहीं पे छूट गया है क्या कुछ अमाउंट, 5,000 कहाँ छूट गया है जल्दी से बताओ, देखना पड़ेगा, 50 से 45 5,000 का डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का मतलब है हाँ जी ओहो ये डिक्रीज हुआ है भाई, ये डिक्रीज तो प्लस होना है ना, ये हमने माइनस कर दिया था क्या था, नहीं सही तो है माइनस हुआ है तो सही है, इन्वेंट्री तो ये क्या है
पेटेंट रिटर्न ऑफ ये लिखा था, हाँ 5000 तो लिख दिया पेटेंट रिटर्न, नहीं ये तो ठीक है, और क्या था, 5000 इंक्रीज हुआ है तो माइनस कर दिया इन्वेंट्री, कुछ गलती तो नहीं कर दी, ये यहाँ पे गलती हो गई, ये 55000 नहीं है, ये 45 है, 45 का माइनस करना था, डिक्रीज जो हुआ है 45 हुआ है, तो इसे आप 45 कर लो जरा, ये 55 को 45 बना दो, तो 10000 का यहाँ पे और कम हो जाएगा, 72 माइनस 50, ये जो है ना आपका, ये यहाँ पे होएगा, अरे फिर भी तो 10000 का डिफरेंस आएगा, ये 45 होएगा, ये जो है ना आपका 2 लाख से, नहीं नहीं सही तो था, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, और जल्दबाजी में ये 5000 का कहीं तो देखो भाई कहाँ पे गड़बड़ किया है, एक बार चेक करो भाई अभिषेक प्लीज फटाफट चेक कर लो, ऐड करने में दिक्कत नहीं हुआ ना सर, 5000 का कहीं पे भी तो कुछ हुआ होगा, 132 माइनस 92, ये 50000 आ रहा है, 5000 का और कहीं पे छूट गया क्या कुछ, ये लॉस लॉस छोड़ दिया था 5000, ओहो ये एसेट्स अकाउंट था ना, एसेट्स अकाउंट जो बनाया था, ये लिख लिया डेबिटेशन लिख लिया, ये लॉस छोड़ दिया था, लॉस कर लो है ना, तो प्लस 5000 लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 5000, तो ये आएगा 82 के बाद ये आएगा 137 हाँ जी 82 के बाद ये कितना आया था, हाँ जी जो भी आया था ये 1282 माइनस 60 माइनस 35 कितना आया 187, ये आया 187 माइनस 50 137, तो अब आ जाएगा ये 55000, ठीक है भाई यहाँ तक क्लियर है, ये था, अब मिला लेना दोबारा से, ये दो आंसर दिखा दे रहा हूँ एक बार जूम इन करके, इस टाइप से है यहाँ पे, इसका वर्किंग नोट 1 2 और एक वर्किंग नोट 3 यहाँ पे बिल्डिंग का, ठीक है भाई ओके यस सर, बाकी आप रिवाइज कर लेना यहाँ से, चलो ओके बाय बाय।